इस तारीख से मैनेजर हो रहे हैं। मेरे साथ लगभग 7 वर्ष से अधिक समय रहे। मुझे लगता है कि उनको इस रूप में याद करना चाहिए कि जो पुराने संस्कार एक अच्छे इंसान के रूप में, एक कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी के रूप में, और सबसे जो बड़ी उनकी विशेषता मुझे जो लगी वो ये थी कि एक बार आप काम को दे दीजिए उसके बाद आप भूल जाइए, वो काम आपका सही जगह सही समय पर पूरा हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग इस किसी भी संस्था की निधि होते हैं और किसी भी संस्था के लिए बहुमूल्य होते हैं। आज ये शासकीय प्रक्रिया है, वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा से वो स्वस्थ हैं और आगे भी अपना स्वस्थ जीवन जिए, आनंदपूर्वक जिए, प्रभु भक्ति में लीन रहें, ऐसी मेरी उनके लिए मंगल कामना है। साथ ही मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्ति का पद महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ये वो लोग हैं जिनसे सीखा जाना चाहिए कि कैसे एक संस्था के प्रति निष्ठावान और कैसे विश्वास पात्र बना जाता है। इस रूप में उनको हम लोग सदैव याद रखेंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामना। केयर भैया का साथ काफी लंबे समय से रहा हमारे साथ। केयर भैया को जब से मैंने देखा है तब से वो अपने काम के प्रति समर्पित रहे। उनका कभी किसी भी व्यक्ति से यहाँ पे विवाद नहीं हुआ और जब भी उनको जो भी काम दिया जाता है वो बड़े तन्मयता से करते हैं। उनके विचार हम लोगों को भी कभी कभी अच्छी राह दिखाते थे। उन पे किसी रामायण के पाठ पे या भगवद गीता पे उनसे आप बात कर लीजिए, ऐसे प्रकांड ज्ञान या विद्वान को भी नहीं आता जो केहर भैया को उन ज्ञान के बारे में पता रहता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि केहर भैया जैसे हैं वैसे बने रहेंगे और उनके दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार। जय जय श्री राम। ये केहर भैया के साथ जब भी मुलाकात हो अभिवादन करने का तरीका रहा है। केहर भैया को ऐसे अगर नोट किया जाए तो मुझे याद आता है कि जब भी हम बात करते थे तो जितने भी बैंक से संबंधित काम होते थे उसमें मास्टरी केहर भैया की है। और उसके बाद जब परीक्षा के क्षेत्र में जुड़े काम करते हुए तो फिर हमने देखा कि जितना भी पोस्ट ऑफिस में जितनी भी देर सवेर हो जाए जो भी हो, पर आज तक कभी कोई काम में त्रुटि या कमी प्राप्त ही नहीं हुई। और उसका क्रेडिट भी केहर भैया को ही जाता है क्योंकि उनको पता होता है कि कितनी चीज़ें लेके जानी है और कभी कभी एक्स्ट्रा कागज़ भी नहीं रहा। और इसका अनुभव हम विशेष तौर पर भी बोल सकते हैं कि बीच में एक आध बार जब केहर भैया छुट्टी पे थे और वो काम हमें करना पड़ा तो हमें समझ में आया कि उसमें कितनी सारी चीज़ें होती जो केहर भैया उसके मास्टर हैं। तो जब केहर भैया इस महीने के बाद अब इन कामों में हमें नहीं मिलेंगे तो हमें उनकी बहुत याद आएगी। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन में एक नए पड़ाव का आगमन हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि अब केहर भैया अपनी प्रभु की सेवा में ज़्यादा समय लीन रहेंगे। उनका रामायण का प्रेम, उनका हनुमान जी के प्रति आस्था और उनके ढेर सारे प्रसाद हम हमेशा याद रखेंगे। केहर भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। जय श्री राम केहर भैया। आप और रामायण मेरे लिए एक्चुअली पर्याय से हो गए हैं। आपको देखकर रामायण की याद आ जाती है और मैं विश करूंगी कि आपका रिटायर्ड लाइफ बहुत ही राममय हो। राम जी आप पर हमेशा कृपा करें, स्वस्थ रखें और लंबी जिंदगी दें। जय श्री राम केहर बाबू जी। जैसा कि हनुमान जी के लिए आप कहा जाता है बारे में कि कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तात तुम पाए, वैसे ही हमें आपके बारे में इस विद्यालय में देखने को मिला कि आपके पास ऐसे बहुत सारे काम जो रहते थे बाहर के उनको आप बड़ी आसानी से सरलता से ही कर देते थे और कई बार विद्यालय में अन्य सदस्यों को पता भी नहीं चल पाता था कि आप बाहर कितने सारे जगह ऑफिस में कामों को करते हैं। और जब भी आपसे संबोधन होता था जय श्री राम के साथ तो बड़ा ही एक मन को बहुत अच्छा लगता था और आगे का आपका जीवन आज सेवानिवृत्ति के बाद से बड़ा ही सुखमय रहे, आप स्वस्थ रहें, आपके लिए यही कामना हम करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम केयर भैया।
आपको याद है मैं इतने वर्ष पहले जब मैंने स्कूल में ज्वाइनिंग दी थी, क्योंकि यहाँ सभी सीनियर टीचर्स थे, सब आपको केहर सिंह बोलते थे, और सबसे पहले आपको मैंने संबोधित किया था केहर भैया के नाम से। मुझे आज भी याद है, आपने पलट कर उस पर बात भी की थी मुझसे, और मैं जब से आपको बड़े भाई के रूप में ही मानती हूँ, आज आपको इस छोटी बहन की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आप प्रत्येक सदस्य से मैं बहुत अच्छे से परिचित हूँ, और कई बार तो विद्यालय परिसर में जब आपका रहना होता था तब कई बार आपके घर जाते थे हम सभी मिलने के लिए। आपकी तीनों बेटियाँ बहुत ही प्यारी, वंदना, अंजना और अंकिता, जिन्होंने यहीं से पढ़ाई की है और आज सब अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर रही हैं, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप पर ईश्वर की कृपा ऐसे सदैव बनी रहे, और आपसे जब भी मिलना होता है हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखने मिलता है। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और मिलते रहें। केहर भैया के लिए क्या बोलें, आज जबकि उनका रिटायरमेंट आ चुका है और वो अब हमारे बीच से चले जाएंगे, बट उनकी जो मधुर यादें हैं वो हमारे साथ हमेशा रहेंगी। उनका जो स्वभाव, इतना हम्बल नेचर है उनका, हमेशा विश करना, और कोई भी काम के लिए उन्होंने कभी नहीं बोला कहर भैया ये काम करना है, हाँ मैडम अभी कर दे रहा हूँ। भले ही अगर वो 5 मिनट बाद किया, लेकिन वो काम उन्होंने कर दिया। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं, हमेशा उन्होंने इनकरेज किया सामने वाले को, और हमेशा उन्होंने बहुत एक रिलीजियस पर्सन के साथ, उन्होंने जैसे वो गीता पढ़ते हैं, जैसे वो लगातार प्रार्थनाओं में रहते हैं, तो उससे हमेशा जब कभी आप निराश हुए तो उन्होंने उसको इनकरेज भी किया, और हमेशा एक हंसमुख व्यक्ति। और उनकी तीनों बेटियां, जैसे कि हम सब जानते हैं, हमारे बीच में रही, हम लोगों ने उन्हें पढ़ाया, तो उन्होंने अपने बच्चियों को भी वही संस्कार दिए, और आज उनकी बच्चियां एक बेस्ट उस पर खड़ी हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़ी हैं। और जैसे हम जानते हैं कि उनकी एक बेटी का बेटा जो है वो शाहरुख खान की मूवी में भी आया, पठान में, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो जो कुछ भी उन्होंने अपने बच्चों को दिया, इस स्कूल को दिया, वो बहुत ही स्मरणीय है, जो हमें हमेशा याद रहेगा। हम हमेशा उनकी सेवाओं को याद रखेंगे और उन्हें मिस करेंगे। थैंक यू श्री राम। केहर भैया, आपको हम सभी की ओर से ढेर सारी सेवा और समर्पण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपका आगे का जीवन सुखमय, रोमांच से भरा और आनंदकारी और मंगलमय हो। हम सभी ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसे ही हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और रामधुन गाते रहें। जय श्री राम। यस सर। केहर सिंह भैया के साथ मैं सन 2002 से इस विद्यालय में कार्यरत हूँ। केहर सिंह भैया न केवल कार्यालय का, एग्जामिनेशन कमेटी का, बैंक का, विद्यालय का, यानी सभी कार्य एक साथ संभाल लेते हैं। हंसते हुए बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कई सारे काम दिन में वो प्रतिदिन करते हैं। मैंने उनको आज तक कभी गुस्से में नहीं देखा। ये व्यक्ति सभी के जो मास्टर साहब के नाम से प्रचलित है, ये क्वालिफाइड है, इन्होंने बीएड भी किया हुआ है, इनका अध्यात्म के प्रति बहुत लगाव है। ये विद्यालय के कार्य तो करते ही करते हैं, बल्कि अपनी कॉलोनी के अंतर्गत भी कई समय से प्रभात फेरी का संचालन करते आ रहे हैं। इनके ऊपर घर की भी कई सारी जवाबदारियां हैं, पूरे परिवार को ये लेकर चल रहे हैं। सचमुच केहर भैया न केवल समय पर आते हैं, बल्कि लास्ट उसके बाद जाते हैं। हर तरफ के कार्य, चाहे डीओ के हों, चाहे जेडी कार्यालय के हों, कलेक्ट्रेट के हों, वो सब जाके पूर्ण करके आते हैं। इनका रिटायरमेंट सचमुच विद्यालय के लिए काफ़ी, मैं समझता हूँ, नुकसानदायक है। मैं फिर भी क्या कह सकता हूँ, क्योंकि शासकीय नीति है और सभी को एक दिन रिटायर होना है। मैं अपनी तरफ से, अपने पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इसी तरह सदा मुस्कुराते हुए आगे भी
वे अपने कार्य की ओर अग्रसर रहें और हमें इसी प्रकार से समय समय पर आकर मार्गदर्शन भी देते रहें। पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग यहाँ केयर भैया के फेयरवेल पार्टी के लिए इकट्ठा हुए हैं। केयर भैया को मैं 20 साल से जानती हूँ और उनकी सर्विस लगभग 40-42 साल की है। पिछले 20 सालों में केयर भैया को मैंने कभी भी नाराज़ होते हुए, किसी भी तरीके से एक्साइटेड होते हुए कभी भी नहीं देखा। बहुत शांति से, बहुत आराम से सारा काम वो करते हैं और जो उनका एक अध्यात्म की तरफ झुकाव है उसमें भी उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी उनसे गाइडेंस मिलती है। उन्होंने ही, पता नहीं उन्हें अब याद होगा कि नहीं, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि आप कम से कम नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्र पढ़ा करो। तो वो मैंने उनसे सुन करके और उनसे समझ करके फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, जो अभी तक भी शुरू है। कह भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा समाज के प्रति जागरूक रहें और अपने आध्यात्म के प्रति जागरूक रहें। मैं 2009 में नरसिंहपुर एक्सलेंस से भोपाल एक्सलेंस में आई, तब से मैं केहर भैया के संपर्क में हूँ। केहर भैया बहुत अच्छे, अपने काम के प्रति वफादार, और मैंने जब से उन्हें जाना है कि वो अपना काम बहुत सिंसियरिटी से करते हैं और ये इतने वर्षों की सेवा के बाद भी आज भी उनमें वही जोश, वही काम करने की उमंग है। मैं उन्हें इस रिटायरमेंट के अवसर पर सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने इतने दिनों तक पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से काम किया है, आगे की ज़िंदगी भी उनकी इसी तरह निष्ठा और ईमानदारी से गुजरे, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। और अब इतने दिनों बाद वो अपने घर परिवार को, जिस तरह से उन्होंने स्कूल को समय दिया है, उसी तरीके से अपने नाती पोतों, घर परिवार के साथ आनंद रहें और इसी निष्ठा के साथ अपनी ज़िंदगी। केहर भैया इस संस्था में लगता है सबसे पुराने और सबसे मजबूत स्तंभ हैं, क्योंकि हमें भी इस स्कूल में बहुत साल हो गए हैं और हमसे पहले से केहर भैया इस स्कूल में हैं, तो हमेशा से उनको, उनसे एक बड़े भाई वाला रिश्ता रहा है। हमेशा ही वो सही गाइडेंस देते रहे हैं और जब भी उनसे कोई भी काम कहा जाता था तो बड़े ही मुस्कुराकर और बहुत ही खुशी से हर काम करने को तैयार रहते थे। तो केहर भैया आप हमेशा ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही अपने परिवार के साथ सुखद समय व्यतीत करें और आपकी जो जो इंटरेस्ट वाले फील्ड हैं, जैसे सुंदरकांड और बाकी जितने भी आपके ग्रुप हैं जो कि आप पूजा पाठ और ये सब करते रहते हैं, तो उस समय आप अपनी लाइफ एंजॉय करें। आप आगे बहुत स्वस्थ, बहुत खुश और बहुत इनर्जेटिक रहें। भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन की ये पारी बहुत अच्छी रही और ईश्वर से प्रार्थना है, राम जी से प्रार्थना है कि आपके जीवन की अगली पारी भी बहुत अच्छी रहे। आप अपना आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्ते केहर भैया, मुझे आज भी याद है मेरा वो पहला दिन जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपका जो हमारे तरफ विश्वास था कि हम बहुत अच्छा करेंगे, वो मुझे आज भी याद है। मुझे बहुत प्रेरित किया और मुझे बहुत सहारा भी मिला पहले दिन, तो मैं कभी नहीं भूल सकती आपसे पहली मुलाकात और आपसे मिलता हुआ आशीर्वाद और प्रेरणा हमको हमेशा याद रहेगी। आप जहाँ भी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। देखिए, मैं लता सिंह, अकाउंटेंट, सुभाष हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं केयर भैया को 2004 से पहचानती हूँ। मेरा बैरागढ़ से स्थानांतरण होकर इस सुभाष स्कूल में 2004 में आई हूँ मैं, तब से मैं उनको पहचानती हूँ। केयर भैया इस कैंपस में पीछे 1986 से 2007-08 तक रहे हैं और उनकी ये कर्म भूमि हो गई है सुभाष स्कूल, उनके बच्चों की ये जन्मभूमि है सुभाष स्कूल। केयर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और एक भक्त आत्मा है वो, और अपने श्री रामचंद्र भगवान को मानते हैं
और पूजा पाठ बहुत अधिक करते हैं, सभी से अच्छे से व्यवहार रखते हैं, सभी से अच्छे से बोलते हैं, किसी से कोई कभी काम की तो कभी मना करते ही नहीं है। केयर भैया, केयर भैया से मैं इतना कहूँगी, केयर भैया आप बहुत अच्छे से रहना और चिंता फिक्र नहीं करना, अपना भगवान का भजन सेवा साधना करना, इसमें ही आपका कल्याण होगा। और केयर भैया, उनके बड़े भैया और सभी संयुक्त परिवार हैं इनका, और राम लक्ष्मण की तरह ये बड़े भाई से रहते हैं और सभी अच्छे से मिलजुल कर रहते हैं। स्कूल में सभी स्टाफ ने जहाँ जहाँ दौड़ाया वहाँ वहाँ ये दौड़े, अपनी गाड़ी खूब चलाई इनने, और कभी किसी से स्टाफ से और कभी भी मेरे काम से भी कभी कोई काम की मना नहीं करते, और चुपचाप चले जाते हैं और अपना डाक लगा देते हैं। बीओ ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन भोपाल हो, कहीं कमिश्नर ऑफिस हो, कहीं भी हो, कभी भी इन्होंने मना नहीं किया। केयर भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और इस स्कूल में अभी इनकी कमी रहेगी, लेकिन हम कागज़ की खाना पूर्ति तो करेंगे, लेकिन दिल से हम उनको अलग नहीं करेंगे, हम उनको हमेशा याद रखेंगे और हमेशा याद वो भी हमको रखेंगे। सभी स्टाफ उनको बहुत अच्छे से चाहते हैं, सुभाष स्कूल उनकी कर्म भूमि है ये, और सुभाष स्कूल को भूल भी नहीं पाएंगे। मैं इतना कहूँ केयर भैया आप स्कूल में आते रहना और हमसे संपर्क बनाए रखना। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।